हूँ प्रज्ञा, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। सीबीआई ने जांच के लिए बनाई 20 अधिकारियों की टीम। उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे की जांच के लिए सीबीआई ने 20 अधिकारियों की एक अतिरिक्त स्पेशल टीम गठित की है। इनमें एसपी, एसएसपी, डीएसपी लेवल के कई अधिकारी शामिल किए गए हैं। ये सभी 30 जुलाई को दर्ज एक्सीडेंट केस की जांच करेंगे। तीन तलाक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। मोदी सरकार द्वारा हाल ही तीन तलाक पर बने नए कानून को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में केरल स्थित मुस्लिम संगठन केरल जमीयतुल उलेमा ने, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील ने इस नए कानून के खिलाफ याचिका दायर की है। पेट्रोल डीजल व वाहन रजिस्ट्रेशन की बड़ी फीस के विरोध में किया प्रदर्शन। कठुआ में सरकार की तरफ से वाहनों के पंजीकरण की फीस में की गई वृद्धि और लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में यूथ फेडरेशन लखनपुर ने राज्य प्रवेश द्वार में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। फेडरेशन ने लखनपुर में बनाए जा रहे टोल प्लाजा का भी विरोध किया। फेडरेशन के सदस्यों ने वाहनों के पंजीकरण फीस को 9% करने का विरोध करते हुए कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ा रही है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया डाउनलोड करें और हमारे चैनल